भारत में न आती आर्थिक मंदी अगर मोदी सुन लेते रघुराम राजन की ये चेतावनियां। रघुराम राजन साल 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर रहे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 से 2016 तक जब तक रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे, तब तक ऐसा लगा कि मोदी सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच युद्ध चल रहा है। मोदी सरकार की ज्यादातर महत्वाकांक्षी योजनाओं पर रघुराम राजन सहमत नहीं थे। रघुराम राजन मोदी सरकार द्वारा जीडीपी के कैलकुलेशन के पैमानों को बदलने पर भी नाराज थे। नोटबंदी को लेकर रघुराम राजन को एतराज था, इसलिए मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया। उनके बाद उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने, लेकिन मोदी सरकार की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान होकर उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया। पिछले 3 दशक में उर्जित पटेल पहले गवर्नर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस समय शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत ऐसे गवर्नर हैं जो अर्थशास्त्री नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री में एमए कर रखी है। उनकी सबसे बड़ी योग्यता यही है कि उन्होंने वित्त सचिव रहते हुए नोटबंदी और जीएसटी को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। और तो और, नोटबंदी के बड़े झटके के दौरान केंद्र सरकार का खुलकर बचाव भी किया था। देश के सबसे बड़े बैंक का गवर्नर अगर अर्थशास्त्री ना हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, ये अब दिखने लगा है। जीडीपी के आंकड़े जोड़ तोड़ करने के बाद भी 5 साल में सबसे कम 6.8% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर 20 वर्षों में अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले 3 महीनों में ही ऑटो सेक्टर में लगभग 2.5 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। लेबर सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 6.1% है, जो कि बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट बर्बाद हो चुका है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बाजार में पैसा डालने से कतरा रही हैं। मोदी सरकार का सपना भारत को अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, लेकिन जिस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे तो ये सपना चांद तारे तोड़ने जैसा लग रहा है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही रघुराम राजन की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करते तो इस समय भारत को आर्थिक मंदी का शिकार नहीं होना पड़ता। आइए आपको बताते हैं कब कब रघुराम राजन ने मोदी सरकार को उनके फैसले पर चेताया और अब उन फैसलों का क्या नतीजा निकला। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया नहीं होगा सफल। 12 दिसंबर 2014 रघुराम राजन की चेतावनी। मैं प्रोत्साहन दिए जाने के लिए किसी एक सेक्टर मसलन मैन्युफैक्चरिंग को चुने जाने के प्रति इसलिए आगाह कर रहा हूं कि ये प्रयोग भले ही चीन में सफल रहा है, पर भारत अलग है और एक अलग दौर में विकसित हो रहा है और हमें पता नहीं क्या ये सफल होगा। फैसले से क्या पड़ा असर। मेक इन इंडिया योजना दुनिया के बाजार में भारत की स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार 2017 में कुल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 1.7% था, जो 2014 के 1.6% से थोड़ा ही ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2018 से 19 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 18.2% है। मेक इन इंडिया लॉन्च करते समय मोदी सरकार ने साल 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो अब असंभव लगता है। क्रोनी कैपिटलिज्म साठ गांठ का पूंजीवाद है नुकसानदायक। अगस्त 2014 रघुराम राजन की चेतावनी। क्रोनी कैपिटलिज्म से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा नष्ट होती है तथा ये स्वतंत्र एंटरप्रेन्योरशिप अवसरों के विस्तार और आर्थिक वृद्धि के लिए नुकसानदेह है। फैसले से क्या पड़ा असर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंकों ने 2.4 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ मतलब बट्टे खाते में डाल दिया है।
पिछले एक दशक के दौरान किए गए राइट ऑफ का 80% पिछले 5 वर्षों में अप्रैल 2014 के बाद से हुए है। पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल राइट ऑफ 7 लाख करोड़ रुपए रहा है। अक्टूबर से दिसंबर 2018 के दौरान ये राशि 64,000 करोड़ रुपए थी। बैंकों का इस समय 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए बन चुका है। जेट एयरवेज, रेनबैक्सी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण बर्बाद हुई। नोटबंदी से नहीं खत्म होगा काला धन। 2014, रघुराम राजन की चेतावनी। मुझे लगता है काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी के अलावा और भी दूसरे रास्ते हैं। काले धन को बाहर निकालना आसान नहीं है। फैसले से क्या पड़ा असर? नोटबंदी से काले धन में कोई भी कमी नहीं आई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 99.3% 500 और 1000 के पुराने नोट वापस आ गए हैं। नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 के नोट 15.44 लाख करोड़ थे। उनमें से 15.31 लाख करोड़ वापस आ चुके हैं। दावा किया गया था कि जो काला धन होगा वो बैंक में नहीं आएगा, वो नष्ट हो जाएगा। उल्टा नोटबंदी के कारण लाखों लोगों के रोजगार छिन गए। छोटे और मझोले उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 14 मार्च 2018 को मोदी सरकार ने बिना बहस के संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन बिल पास करवा लिया, जिसके तहत राजनीतिक दलों को विदेशों से प्राप्त धन की जाँच अब कोई भी एजेंसी नहीं कर सकेगी। इस विधेयक को मनी बिल के तहत लाया गया ताकि राज्यसभा को बाईपास किया जा सके। इस साल जुलाई में वित्त मंत्रालय ने सूचना का अधिकार के तहत भारत और विदेशों में भारतीयों के काले धन की जानकारी देने से मना कर दिया है। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।